हेलो गाइस, मैं हूँ कैप्टन मैक्स और आज हम खेलने वाले हैं मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस। और यहाँ पर मेरी एक अलायंस है जिसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेप्शनल्स नाम है इसका। हमें काफ़ी प्लेयर्स की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादा कुछ एक्टिव प्लेयर्स है नहीं जो कि हमें अलायंस क्वेस्ट और अलायंस वॉर में मदद कर सकें। तो अभी हम खेलने वाले हैं मल्टीवर्स अरीना, जहाँ पर हमें 1.5 का मल्टीप्लायर मिल चुका है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। नेक्स्ट सीरीज करते हैं, खेलते हैं। 3 लाख पॉइंट के लिए खेल रहे हैं हम ये मुकाबला। 3 लाख पॉइंट फ़िलहाल अचीव करना है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो है 3 लाख पॉइंट है। तो चलिए, हॉकाई, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इलेक्ट्रो, तीनों अलग अलग स्किल के लोग हैं यहाँ पर हमारे पास। और ये मुकाबला शुरू करते हैं हम। ओके, हॉकाई को डिसएडवांटेज है, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर ये एडवांटेज है हमारे पास और ये एडवांटेज है। चलिए कोई बात नहीं, हॉकाई डिसएडवांटेज के साथ ही खेल सकता है क्योंकि प्लेयर रेटिंग में काफ़ी डिफरेंस है। तो 1.5 मल्टीप्लायर वाला मुकाबला है ये। इसको जीत के हम 2 मल्टीप्लायर पर पहुँच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमा फ्रॉस्ट वर्सेस हॉकाई। एमा फ्रॉस्ट ने अपना क्रिस्टल वाला फॉर्म ले लिया है। इसमें इन पे स्टन इफेक्ट काम नहीं करता। देखिए, जैसे क्रिस्टल वाला रूप आता है और स्टन इफेक्ट काम करना शुरू हो गया। अब लगता है एक तीर मारना पड़ेगा और खेल ख़त्म हो चुका है एमा फ्रॉस्ट का। काफ़ी आसानी से हॉकाई ने KO कर दिया यहाँ एमा फ्रॉस्ट को। चलिए अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रो वर्सेस एबोनीमो। तो शुरुआत में इलेक्ट्रो ने काफ़ी अच्छी बढ़त बना ली है। 50% से ज़्यादा एनर्जी कम कर दी है एबोनीमो की, और जहाँ एक तरफ इलेक्ट्रो की केवल 1% एनर्जी गई है, दूसरी तरफ इबोनीमो की KO हो चुके हैं। इलेक्ट्रो ने 2% एनर्जी खोई और इबोनीमो KO हो चुके हैं। 2,31,000 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस विजन और कॉसस, ऐसा ही कुछ नाम है, मतलब पक्का नहीं पता। और यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट का बफ लग चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज पे, जो उनकी हेल्थ कम कर रहा है धीरे धीरे। और दूसरी तरफ आर्कासस पिटते हुए काफ़ी शानदार तरीके से एक तरफा मुकाबला हुआ है ये। फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक तरफ मुकाबला कर रखा है और प्लेयर रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज की, और KO कर दिया है आर्कासस यानी कि विजन को। चलिए अगली सीरीज़ की तरफ चलते हैं। अगली सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर मल्टीप्लायर हो चुका है 2। चलिए यहाँ पर फिल्टर सेट करते हैं 4-स्टार हीरो का। फिर 4-स्टार हीरोज़ दिखेंगे अब हमें। ब्लैक पैंथर और आयरन पेट्रियट। अल्ट्रॉन की जगह पे हम हुड का यूज़ करेंगे ताकि सब अलग अलग क्लास के हों। चलिए शुरू करते हैं। सामने थॉर दिख रहा है मेरे को एक, और यहाँ पर वॉस्प। चलिए 2 बेनिफिट है हमारे पास। वॉस्प भी काफ़ी ख़तरनाक अपोनेंट है। स्टिंग वाला इफेक्ट उनका वो काफ़ी ख़तरनाक लगता है मुझे। आसानी से हार भी सकती है वॉस्प, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये देखिए, काफ़ी आसानी से बढ़त बनाते हुए ब्लैक पैंथर। यहाँ पर सिविल वॉर वाले ब्लैक पैंथर है, नया सूट है ब्लैक पैंथर का। 100% हेल्थ यहाँ पर ब्लैक पैंथर की 99, और सामने उन्होंने 6% हेल्थ छोड़ी है और यहाँ पर KO कर दिया है बिना किसी स्पेशल अटैक का यूज़ करते हुए। अभी तो 2 मल्टीप्लायर की ये फाइट है, तो इसलिए काफ़ी आसान अपोनेंट आ रहे हैं। जब 3 मल्टीप्लायर को क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं खतरनाक। और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन पेट्रियट। आयरन पेट्रियट यानी कि ऑसबॉर्न, यानी कि हैरी ऑसबॉर्न के पिताजी, जो कि एक बार गॉब्लिन भी बने थे। तब पहले गॉब्लिन बन गए थे, उसके बाद आयरन पेट्रियट बन गए थे। तो मतलब ये वही है जो आयरन पेट्रियट वर्सेस कैप्टन अमेरिका। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कैप्टन अमेरिका की धुलाई करते हुए आयरन पेट्रियट, यहाँ पर लगता है 2 लेवल का अटैक करना पड़ेगा। और यहाँ 2 लेवल का अटैक किया है आयरन पेट्रियट ने, और काफ़ी शानदार तरीके से कोने पे लेके कैप्टन अमेरिका की धुलाई करते हुए, और यहाँ KO कर दिया है कैप्टन अमेरिका को काफ़ी आसानी से बिना किसी मुश्किल के। फाइनल फाइट की ओर बढ़ते हैं अब हम। फाइनल फाइट, द हुड वर्सेस थॉर। यहाँ पर हुड को एडवांटेज है, इसलिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए फाइट जीतने में। अगर थोर 3 लेवल का अटैक भी करते हैं तब भी हुड जीत जाएंगे आसानी से, क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी की है। यहाँ हुड की 1% एनर्जी की है, सामने थोर की उन्होंने 50% के करीब एनर्जी डाउन कर दी है।
काफ़ी शानदार तरीके से थॉर की धुलाई होते हुए कवर लेके बचने की कोशिश, और यहाँ दो लेवल का अटैक करना होगा हैक, और यहाँ पर द हुड जीत चुके हैं आसानी से बिना किसी मुश्किल के। मल्टीप्लायर हो चुका है 2.5, स्कोर हो चुका है हमारा 242,560 यानी 2,42,000। हमारा टारगेट है 3 लाख का। तो चलिए अगली सीरीज़ की तरफ तो बढ़ते हैं, फिल्टर करते हैं, 4 स्टार हीरोज़ को लेते हैं यहाँ पर, केवल 4 स्टार हीरोज़। और यहाँ पर लेते हैं हम अल्ट्रॉन, केबल, इनहेला। चलिए इनके साथ शुरू करते हैं मुकाबला। सामने सनस्पॉट दिख रहे हैं मुझे, एनी हीलस के खिलाफ डिसएडवांटेज, देखते हैं कहाँ एडवांटेज हो सकता है। दो दो डिसएडवांटेज, तो चलिए ऊपर नीचे कर दिया हमने, कोई डिसएडवांटेज नहीं, नॉर्मल फाइट। एनी हीलस वर्सेस हेला, कुछ मिलता जुलता सा नाम लगता है, एनी हीलस हेला। चलिए शुरू करते हैं, एनी हीलस वर्सेस हेला। हेला थॉर की सिस्टर, एनी हीलस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, विलन हीरो क्या है। ओ काफ़ी अच्छे वार पड़े, 85% एनर्जी जा हो चुकी है हेला की, और सामने उन्होंने 80% कर दी है एनी हीलस की, बढ़त बनाते हुए हेला। और यहाँ पर लग गया है वार एनी हीलस का, बराबरी की फाइट चल रही है अभी भी। दो लेवल का अटैक करना पड़ेगा हेला का, और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। और एक तरफ ही होती हुई है फाइट, एनी हीलस का 3 लेवल का अटैक चार्ज हो चुका है, पैरी कर दिया हेला को, देखते हैं हेला जीत सकती कि नहीं। और यहाँ पर 1 लेवल का अटैक और KO कर दिया हेला ने, इतनी भी क्लोज नहीं थी, लेकिन काफ़ी बढ़त बनाई एनी हीलस ने, काफ़ी अच्छे से पिटाई की हेला की, पर जीत दर्ज की क्योंकि प्लेयर रेटिंग ज़्यादा थी। नहीं, अल्ट्रॉन वर्सेस ब्लैक विडो, कुछ वॉयंट नाम है, क्लियर वॉयंट, पता नहीं ब्लैक विडो की स्टोरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी अल्ट्रॉन को तो आप सब जानते ही हैं, स्टार्क का बनाया हुआ रोबोट, या शायद अपने आप ही बन गया था, पक्का तो मुझे याद नहीं आ रहा, मूवी भूल चुका हूँ मूवी के बारे में। काफ़ी ख़तरनाक अटैक, शानदार ब्लॉक। ओ यहाँ पर गार्ड गलत तरीके से ड्रॉप किया, लेकिन फिर भी बच गए, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओ यहाँ पर अभी भी फाइट करते हुए क्लियर वो एंड, और यहाँ पर लगभग एंड के करीब, और यहाँ KO कर दिया है। काफ़ी अच्छी टक्कर दी क्लियर वो एंड ने अल्ट्रॉन को, के रेटिंग अल्ट्रॉन की कम थी, पर इतना डिफरेंस तो चलता है, इतने डिफरेंस में तो हराया जा सकता है। तो चलिए केबल वर्सेस सनस्पॉट, या सनस्पॉट, केबल को तो सब आप जानते हैं डेडपूल 2 की वजह से, सनस्पॉट के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। म्यूटेंट क्लास में आते तो म्यूटेंट यानी कि एक्समैन या उसी से कुछ रिलेटेड होंगे, तभी म्यूटेंट क्लास में आते हैं। वैसे तो केबल भी म्यूटेंट क्लास में आते हैं, ये मुझे नहीं पता कैसे म्यूटेंट क्लास में आते हैं, क्योंकि फ्यूचर से आए थे। हाँ एक तरीके से म्यूटेंट ही है, क्योंकि शरीर का कुछ पार्ट इनका मशीनी है और कुछ पार्ट इनका असली है, तो म्यूटेंट ही है एक तरीके से। और यहाँ पर जीत लिया है केबल ने मुकाबला बिना किसी परेशानी के, 2,54 हो चुका है स्कोर, और लगता है यहाँ पर मल्टीप्लायर कितना हो गया है, 3 हो चुका है मल्टीप्लायर। अब हम अपने टॉप के प्लेयर लाएंगे इस मैच में, ब्लेड, मॉर्डो एंड हैबक। ब्लेड जो कि 4 स्टार ब्लेड मैंने बिल्कुल मैक्सिमम अपग्रेड कर दिया है, रैंक 5 लेवल 50 तक, सामने भी वही ब्लेड। ब्लेड को नुकसान यहाँ पर थिंक के खिलाफ खिलाना पड़ेगा ब्लेड को, क्योंकि ब्लेड का जो जो इफ़ेक्ट है जिससे वो ब्लीड इफेक्ट देते हैं, वो थिंक की जो वो स्टैकिंग होता है उसको कम करने में मदद करता है। इसलिए तो मॉडो वर्सेस आर्क एंगल, बहुत बार मैं मुकाबला हारा हूँ मॉडो वर्सेस आर्क एंगल में, मैं काफ़ी बार आर्क एंगल से हार गया हूँ, मॉडो हार गया मतलब बहुत बार, जितनी बार भी लगभग मॉडो वर्सेस आर्क एंगल होता है उतनी बार मैं हार जाता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी शानदार बचाव 1 लेवल के अटैक से, मूव, और यहाँ पर मॉडो का 2 लेवल का अटैक चार्ज हो चुका है, 2 लेवल का अटैक मारा, और यहाँ पर 40% हो चुकी है सामने। लगता है इस बार मैं जीत जाऊँगा आर्क एंगल के खिलाफ, काफ़ी शानदार तरीके से मॉडो बढ़त बनाते हुए, अगर इसने अपने 3 लेवल का अटैक कर दिया तो मुश्किल होगी मॉडो की जीत, क्योंकि ये ब्लीड और पॉइजन बफ एक साथ छोड़ता है। और यहाँ पर
KO, मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि आर्क एंगल के खिलाफ मॉडो जीत पाएगा, लेकिन जीत दर्ज की है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से मैं मतलब 5-6 मुकाबले खेल चुका हूँ, 5-6 मुकाबले में पहला मुकाबला ही मैंने जीता है, ब्लेड वर्सेस हैवक। इसमें मुझे काफ़ी हद तक भरोसा है कि हैवक जीत जाएगा, क्योंकि इसके 2 लेवल के अटैक का भी काफ़ी ख़तरनाक असर होता है। तो फिलहाल तो हैवक ने बढ़त बना के रखी हुई है, 100% एनर्जी है हैवक की, और सामने ब्लेड की उसने 50%। ओ, यहाँ पर गार्ड ड्रॉप करके गलती, ये ब्लेड बफ काफ़ी नुकसानदायक होगा। 2 लेवल के करीब पहुंच गया है हैवक। अटैक, ओ लगातार 2 अटैक, अब जीत काफ़ी मुश्किल लग रही है। 2 लेवल का अटैक करना होगा और यहाँ पर KO कर दिया है, काफ़ी करीबी मामला था, लेकिन हैवक के 2 लेवल के अटैक ने धोखा नहीं दिया। प्लस हैवक को एडवांटेज भी था ब्लेड के खिलाफ, तो जीत गया हैवक। अब है ब्लेड वर्सेस द थिंग, और काफ़ी शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा डैमेज, स्टैकिंग आप देख सकते हैं, जैसे 4, 5, 6 ऐसा हो रहा है, स्टैकिंग कम कर रहा है ब्लेड का, वो जो है ब्लीड वाला इफेक्ट, ये देखिए कम ज़्यादा होता रह रहा है वो, कभी शायद 1-2 बार अनस्टॉपेबल हो सकता है द थिंग। ओ अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल अटैक अटैक, ओह के पीछे हटना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, द थिंग अनस्टॉपेबल हो चुका है। ओ ओ ओके, वो कर दिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ब्लेड का जो ब्लेड होता है वो द थिंग का स्टैकिंग जो होता है वो कम करते रहता है ब्लेड के वार से, जिसकी वजह से वो अनस्टॉपेबल नहीं होता है इतनी आसानी से, इसलिए जीत दर्ज की है। तो कभी भी द थिंग हो अगर सामने, तो ब्लीड इफेक्ट वाला कोई भी चैम्पियन आप उनके खिलाफ ले जाए, तो चांसेस है कि आप जीत दर्ज करेंगे। तो अब हमारे सेकंड बेस्ट टीम एगोन ग्रीन गॉब्लिन एंड कर्नल ऑब्सिडियन, चलिए शुरू कर। और यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं मुझे बीच में, ये मेरे को कट करना पड़ेगा। और ओके, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया, यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया, तो डिसएडवांटेज ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर इस मैच में, तो चलिए यहीं रखते हैं। एगोन वर्सेस स्कारलेट विच, पावर में काफ़ी डिफरेंस दोनों की देख लेते हैं, 70% है बैटरी अपने पास। एगोन वर्सेस स्कारलेट विच, पहले से स्कारलेट विच पे 2 बफ है, पॉइजन और ब्लीड। ब्लीड बफ तो अभी ख़त्म हो जाएगा, पॉइजन बफ रहेगा लास्ट तक, क्योंकि हेल्थ बफ भी है उनके पास, मतलब हेल्थ अपने आप बढ़ी, जैसे आप देख सकते हैं 84, 103 और ऐसे करके हेल्थ बढ़ी है स्कारलेट विच की। और यहाँ पर 2 लेवल का अटैक करना होगा एगोन का, और 3 लेवल का अटैक चार्ज हो चुका है यहाँ स्कारलेट विच का, 3 लेवल का अटैक कर दिया यहाँ स्कारलेट विच ने। देखना होगा एगोन बच पाते हैं या नहीं इससे, मुश्किल लग रहा है मुझे, काफ़ी मुश्किल। और अच्छा खासा अटैक, 30% पावर एगोन की, और एगोन ने वापसी की है काफ़ी शानदार। लगता है अब की बार स्कारलेट विच के 3 लेवल के अटैक तक पहुंचने से पहले ही नॉक कर देंगे। KO कर दिया है यहाँ पर, काफ़ी क्लोज मामला हो गया था 3 लेवल के अटैक के बाद, लेकिन एगोन ने वापसी करते हुए स्कारलेट विच को हरा दिया है यहाँ पर। 3 मल्टीप्लायर पे काफ़ी ख़तरनाक अपोनेंट आ रहे हैं यहाँ, ग्रीन गॉब्लिन वर्सेस क्वेक। क्वेक भी मुझे ख़तरनाक अपोनेंट लगती है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ख़तरनाक अटैक, 67% पावर कम कर दी है, यही मेरे को बाद में काफ़ी परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि अगर क्वेक ने 3 लेवल का अटैक किया तो शायद गॉब्लिन उसे झेल ना पाए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा शानदार अटैक, मेरे को पीछे हटना चाहिए ताकि हेल्थ कम हो जाए क्वेक की थोड़ी, 16, 15, 14। अब अटैक, ओ यहाँ इवेट, ओ और पैरी कर दिया, ओ काफ़ी क्लोज KO कर दिया है, मेरे को तो लगा था कि ग्रीन गॉब्लिन हार जाएगा, पर KO कर दिया। 3 लाख का अब जो हमारा एम था वो हमने अचीव कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब लास्ट फाइट की ओर, कल ऑब्सिडियन वर्सेस कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल, हाँ मिस मार्वल दूसरी है, एक तो कमाला खान है और एक और है मिस मार्वल, एक कैप्टन मार्वल। ओ 2 अटैक कर दिए हैं कैप्टन मार्वल ने यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी तरीके से बचते हुए उन कैप्टन मार्वल के अटैक से, 1 लेवल के फिर बचते हुए, लगता है अब जीता जा सकता है इस मुकाबले को। 2 लेवल का अटैक कल ऑब्सिडियन का, कितनी एनर्जी खाता है,
और थोड़ी एनर्जी खाई और यहाँ पर मास्टर अटैक, और यहाँ पर दो लेवल का अटैक किया था कैप्टन मार्वल ने। जीत के लिए वापसी काफ़ी मुश्किल है यहाँ से कैप्टन मार्वल की, और लगता है कल ऑब्सिडियन जीत दर्ज कर लिए। कल ऑब्सिडियन ने अगर 3 लेवल का अटैक किया होता कैप्टन मार्वल ने तो हार मिलती, पर यहाँ पर 3 लेवल का अटैक नहीं किया, इस वजह से हम जीत चुके हैं इस मुकाबले को भी। तो चलिए चलते हैं अगले मुकाबले की ओर। अगले मुकाबले की ओर चलते हैं, विन स्ट्रीक हो चुकी है हमारी 7। अब हम लेते हैं एंजेला, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरी। चलिए शुरू करते हैं। तो स्कारलेट विच अगेन सामने, और यहाँ पर दो एडवांटेज हमें मिल गए हैं और इतने से हमें संतुष्टि करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे चांस, काफ़ी चांस, मेरे को एंजेला पे पूरा भरोसा है कि एंजेला भी जिनके खिलाफ जीत दर्ज कर लेगी, कैप्टन अमेरिका स्कारलेट विच के खिलाफ जीत दर्ज कर लेगा, ऐसा 50% चांस लगता है मेरे को, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास सॉरी एडवांटेज है। और यहाँ पर गलती की मैंने गार्ड ड्रॉप करके, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। 79% एनर्जी हो गई है। अगर स्कारलेट विच ने 3 लेवल का अटैक किया तो काफ़ी दर्दनाक होगा वो कैप्टन अमेरिका के लिए। और यहाँ पर शानदार तरीके से 3 लेवल का अटैक कर दिया है, देखना होगा कैप्टन अमेरिका बच पाते हैं नहीं, क्योंकि स्कारलेट विच को डिसएडवांटेज है तो हो सकता है कम इफेक्ट करे उनके 3 लेवल का अटैक। अब देखते हैं कितनी पावर बचती है, और 45%, काफ़ी अच्छी खासी मतलब बराबरी की फाइट कर दी स्कारलेट विच ने 3 लेवल का अटैक करके। और यहाँ पर स्टन हो गए थे, ओ फिर स्टन, अरे भाई साहब 3 लेवल का अटैक करना पड़ेगा यहाँ पर, काफ़ी क्लोज फाइट हो गई है। तो 23% एनर्जी जीत लग गया कैप्टन अमेरिका के ओ। समझ नहीं आता मैं क्या करूं, नेटवर्क की वजह से KO हो गया कैप्टन अमेरिका, नेटवर्क की वजह से सही टाइम पे ब्लॉक नहीं हुआ और कैप्टन अमेरिका को हारना पड़ा एडवांटेज के बावजूद। शायद वो मुकाबला जीता जा सकता था, पर चलिए एंजेला वर्सेस विजन देखते हैं। अब शुरुआत सही, काफ़ी अच्छी शुरुआत, काफ़ी अच्छी तरीके से पावर कम करते हुए सामने विजन को काट पीट दिया, अच्छे से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया विजन का। यहाँ एंजेला का फ्यूरी बफ है बिना किसी सुपर पावर के, ओ यहाँ पर मेरे को भूलना नहीं चाहिए था कि उनके साथ नाम भूल चुका हूँ मैं, थॉर के साथी जो है, जो कि फ्रॉस्ट बाई फ्रॉस्ट को ऑपरेट करते हैं, हैम डाल दिया। हैम डाल होते हैं जिस टीम में अगर 1% हेल्थ रह जाती है किसी प्लेयर की तो थोड़ी देर का टाइम मिलता है उसे। अब हैम डाल वर्सेस वुल्वरिन, देखते हैं ये फाइट का क्या होता है। मुझे ज़्यादा चांसेस लग नहीं रहे हैं वुल्वरिन के जीतने के, क्योंकि ये देखिए मतलब पावर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और हैमडाल काफ़ी ख़तरनाक प्लेयर है, मतलब इनके पास बफ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर गड़बड़, ज़्यादा देर तक ट्रैश हो गया था की, और लगता है 3 लेवल का अटैक बाईफ्रॉस्ट में ले जाना पड़ेगा वुल्वरिन को, बाईफ्रॉस्ट में ले गए। 77 वर्सेस 60, 36% पावर रह गई है वुल्वरिन की, देखते हैं इससे वापसी कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो उनकी एनर्जी जा रही है सामने हैमडाल की, ओ ये वापस भी वार करता है, ये पता ही नहीं था, ओ कोई मौका नहीं, KO हो गए हैं वुल्वरिन। नेटवर्क दो डंडी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नेटवर्क की वजह से जब मैं हार जाता हूँ ब्लॉक नहीं कर पाता हूँ सही टाइम पे सही अटैक नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करें, गेम है, जीत हार चल लगी रहती है। चलिए अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, अभी हम केवल 4-स्टार हीरोज़ को खेलेंगे, 3-स्टार को कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास दो टीमें रह गई हैं, लोकी सेंट्री रेड हल्क, सेंट्री रेड हल्क, और उसके बाद है हमारे पास वेनम, मोडोक एंड द थिंग या द थिंग, जो भी कहना चाहेंगे आप। ये दो लास्ट मुकाबले हैं, अब इस वीडियो के लास्ट दो मुकाबले देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे करके कहाँ किसको फ़ायदा हो सकता है। ओके यहाँ पर नुकसान सेंट्री का तो नुकसान है गोन के ख़िलाफ़, तो चलिए कोई बात नहीं, एक नुकसान के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्लेयर रेटिंग सेंट्री की ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। वुल्वरिन और कैप्टन अमेरिका वाली गलती दोहराएंगे तो फिर हार जाएंगे। शानदार शुरुआत तो होती है पर बीच में गड़बड़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है।
काफ़ी शानदार तरीके से रेड हल्क मुक्के बरसाते हुए पीटते हुए येलो जैकेट को, और 43% एनर्जी कर दी है। यहाँ तो जीतना ही होगा क्योंकि 1 मल्टीप्लायर वाला मुकाबला है, यहाँ तो जीतने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। 2 लेवल का अटैक करके येलो जैकेट ख़त्म, और यहाँ येलो जैकेट को KO कर दिया है। 3,29,000 पॉइंट्स, अगर हारे नहीं होते तो शायद 4.5 लाख के करीब तो पहुंच ही जाते। और यहाँ एगोन वर्सेस सेंट्री, जितना एगोन वार करेंगे उतना फ्यूरी बफ बढ़ता जाएगा सामने एगोन का, 6 तक बढ़ेगा वो, 6 से आगे नहीं बढ़ेगा। और यही फ़ायदा है एगोन का कि अगर 1-2 मुक्के लग जाते तो उनका फ्यूरी बफ आता है और सामने वाले को 2-4 मुक्के मार के वो फाइट बराबरी की कर देते हैं। सेंट्री का 2 लेवल का अटैक और काफ़ी शानदार अटैक, एगोन को बिल्कुल हार के करीब खड़ा कर दिया, KO कर दिया सेंट्री ने। 3,31,000 पॉइंट्स, अगली फाइट की ओर बढ़ते हैं। और ये है लोकी वर्सेस द चैम्पियन। लोकी का जीतना बिल्कुल संभावित है क्योंकि लोकी की प्लेयर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, उनकी अटैकिंग पावर ज़्यादा है और भी बहुत कुछ। यहाँ KO कर दिया बिना पहले लेवल की पावर तक भी नहीं पहुँचे, और KO कर दिया यहाँ पर चैम्पियन को, द चैम्पियन को। तो 3,33,000 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं जो कि आखिरी सीरीज़ है 4-स्टार हीरोज़ की। फिल्टर 4-स्टार हीरोज़ एंड आखिरी सीरीज़ वेनम, मोडॉक एंड द थिंग। चलिए शुरू करते हैं। सामने है अपने मॉर्निंग स्टार। ओके, यहाँ पर साइंस 2 बेनिफिट है अपने को, गार्डियन के खिलाफ भी है और केबल, लास्ट मुकाबला केबल के खिलाफ, द थिंग वर्सेस केबल। गार्डियन में मुझे काफ़ी अच्छे मतलब सामने की टीम में खेलने वाले प्लेयर लगते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग स्टार वर्सेस मोडॉक, और शुरुआत काफ़ी अच्छी करते हुए मोडॉक, 62% एनर्जी मॉर्निंग स्टार की, और 50% 44% कर दिया यहाँ पर, और यहाँ मॉर्निंग स्टार को KO कर दिया है। गेम अटकने की वजह से पिछला पार्ट देख नहीं पाया, मतलब दिखा नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, काफ़ी बेकार ख़तरनाक तरीके से गेम अटक गया था मेरा। चलिए शुरू करते हैं वेनम वर्सेस द गार्डियन, और यहाँ रिज्यूम हो गया था, रिज्यूम शुरू करते हैं। और यहाँ पर गार्डियन की पिटाई शुरू कर दी है वेनम ने, काफ़ी शानदार तरीके से पीटते हुए KO हो जाएगा, और KO कर दिया गार्डियन को बिना किसी परेशानी के। आखिरी मुकाबला द थिंग वर्सेस केबल। द थिंग वर्सेस केबल, और ये मुकाबला करते हुए द थिंग काफ़ी शानदार बढ़त बनाते हुए केबल के खिलाफ, लगभग दोनों की प्लेयर रेटिंग आसपास ही है, पर फिर भी द थिंग की ज़्यादा ही है केबल से। और यहाँ पर 50% से नीचे कर दिए है केबल की हेल्थ द थिंग ने, और यहाँ पर 2 लेवल का अटैक करके मुकाबला ख़त्म हो गया, नहीं देखना चाहिए, और लगभग ख़त्म ही हो गया था, KO कर दिया है यहाँ पर केबल को, और 3,38,000 पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो में शायद मैं डिफरेंट प्लेयर के 3 लेवल का अटैक, 1 लेवल 2 लेवल और 3 लेवल का अटैक दिखाऊँगा। तो आप मुझे बताइएगा कि किस हीरो के 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल का अटैक आप देखना चाहेंगे, और उसकी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हो सकता है क्रिस्टल, ओके 2 क्रिस्टल देखते हैं, 2 क्रिस्टल ओके, एक तो ये क्रिस्टल है, क्लेम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमें एक हेल्थ पोशन मिला है जो कि कभी कभी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ओके, डेली कॉन्करर क्रिस्टल मिला है अभी हमें, और इसको ओपन करते हैं, और इसमें हमें 2-स्टार गमोरा जो कि हमारे पास पहले से है वो डुप्लीकेट हो गई है। चलिए, एक तो ये हमारे पास मल्टीप्लायर है, अरीना मल्टीप्लायर क्रिस्टल, जिसका मैं कोई यूज़ करता ही नहीं हूँ। शार्ट क्रिस्टल, यहाँ पर हमारे शार्ट क्रिस्टल से क्रिस्टल बन गया है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर लाते हैं इसको और 1, 2, 3 टैप करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ओके
दोबारा से गमोरा, मतलब दो दो बार गमोरा ही मिली है, तो ये गमोरा भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर गॉड स्लेयर 11, एक और स्किल अपग्रेड हो गई है। ओह एक और शार्ड क्रिस्टल, अरे वाह, एक के बाद एक शार्ड क्रिस्टल बनते ही जा रहे हैं। 3-स्टार क्रिस्टल है ये, चलिए इसे भी खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इसमें, कोई नया हीरो या डुप्लीकेट हीरो। मैं तो डुप्लीकेट हीरो ही पाना चाहूँगा 3-स्टार। और क्या है क्या है क्या है क्या है, मिस लोकी, लोकी मेरे पास पहले से। ओके 4-स्टार है, 3-स्टार नहीं है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नया चैम्पियन मिला है। चलिए आज की वीडियो, ओके यहाँ पर कुछ मिला है अभी, फिर इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। कि यहाँ पर कुछ मिस्टिक एडवांसमेंट, ओके यस मिस्टिक एडवांसमेंट का कुछ मिला है हमें, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि एक अलाइंस है मेरी जिसका मैं लीडर हूँ, जिसमें मुझे प्लेयर चाहिए वॉर के लिए और अलाइंस क्वेस्ट के लिए, तो ये है एक्सेप्शनल्स है मेरी अलाइंस का नाम, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 25 प्लेयर है हमारे पास, और जो इनएक्टिव होगा फ़िलहाल के लिए उसको किक कर दूंगा, मतलब ज्वाइन करो यार, मतलब बस एक्सेप्शनल्स अगर आप देख रहे हो तो ज्वाइन कीजिएगा ऐसे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नए हीरोज़ के साथ, और जैसा कि मैंने बोला था उनके 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल के अटैक में बनाऊंगा वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि क्या क्या कौन कौन से हीरो का बनाऊं मैं 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल के अटैक वाला वीडियो। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।